नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर बिष्ट है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एंटी डिप्रेसेंट्स और उनसे जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कई लोग एंटी डिप्रेसेंट आजकल ले रहे हैं डिप्रेशन के लिए, एंग्जाइटी के लिए, ओसीडी के लिए, और उनके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं कई बार हमारे पेशेंट्स को पता नहीं होते हैं, तो उनको समझ नहीं आता है कि जो उनको शरीर में कोई प्रॉब्लम हो रही है वो एंटी डिप्रेसेंट की वजह से है कि नहीं है। तो इसको क्लियर करने के लिए आज हम बताएंगे कि एंटी डिप्रेसेंट से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब हम ऊपर से शुरू करते हैं, तो आपका सर में दर्द शुरू हो सकता है एंटी डिप्रेसेंट्स की वजह से। कई बार अगर आपको पहले कभी सर दर्द ना होता हो और एंटी डिप्रेसेंट आपने शुरू की हो और उसके बाद लगातार सर दर्द हो रहा है या हफ्ते में 3-4 बार सर में दर्द हो रहा है, तो वो एंटी डिप्रेसेंट की वजह से हो सकता है। इसके अलावा नींद ना आना या ज़्यादा नींद आना, वो भी एंटी डिप्रेसेंट्स की वजह से हो सकता है। आँखों में जैसे धुंधला दिखना या डबल दिखना, वो भी कभी एंटी डिप्रेसेंट का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इसके अलावा जैसे आपको एसिडिटी होना या ऐसा लगना कि उल्टी आने वाली है, या कभी कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होना या कब्ज होना, जबकि आपको पहले कभी नहीं रही होगी, एंटी डिप्रेसेंट के बाद अगर ये शुरू होती है तो ये एंटी डिप्रेसेंट का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। इसके अलावा वज़न बढ़ जाना, कई कई एंटी डिप्रेसेंट से वज़न बढ़ जाता है, तो आपको अगर लगता है कि आपका वज़न एंटी डिप्रेसेंट शुरू करने के बाद एक महीने दो महीने में 5 किलो 10 किलो वज़न बढ़ गया है, तो वो एंटी डिप्रेसेंट्स की वजह से हो सकता है। क्योंकि कुछ एंटी डिप्रेसेंट से भूख बढ़ जाती है, मीठी चीज़ें खाने का मन करता है, तो उससे वज़न में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि कम से कम 30% लोगों को सेक्स में प्रॉब्लम आने लगती है, मेल्स और फीमेल्स दोनों में सेक्स करने का मन कम करता है, मेल्स में परफॉर्मेंस, सेक्सुअल परफॉर्मेंस में अफेक्ट आता है। और ये जैसे मैंने कहा कि 30% लोगों को करीब करीब हो सकता है, तो अगर आपको ऐसा कुछ हुआ है तो वो एंटी डिप्रेसेंट्स की वजह से हो सकता है। इसके अलावा कभी जो सिम्टम हैं आपके, जैसे एंग्जाइटी हो गई या डिप्रेशन हो गया, कभी आप जब एंटी डिप्रेसेंट शुरू करते हैं तो वो कभी और ख़राब हो जाते हैं, माने एंग्जाइटी भी बढ़ जाती है, डिप्रेशन भी बढ़ जाता है, कुछ लोगों को सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं जो पहले कभी नहीं थे, वो एंटी डिप्रेसेंट्स की वजह से हो सकता है। तो अगर आपको ऐसे किसी सिम्टम्स हुए हैं तो उसमें ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है, आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उसको बताएं कि ये प्रॉब्लम शुरू हुई हैं, तो वो एंटी डिप्रेसेंट बदली जा सकती हैं, आपको दूसरी एंटी डिप्रेसेंट्स दी जा सकती हैं जिनसे शायद आपको वो साइड इफ़ेक्ट ना हो। इसके अलावा अगर मेडिसिन से आपको लगातार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमारे पास ट्रीटमेंट हैं आजकल जो हम बिना मेडिसिन के करते हैं, और आप वो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और वो भी डिप्रेशन में भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, और उनको कराने से आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है, मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होती।